सुबह की भागदौड़ में टाइम बहुत कम होता है, ऐसे में मैं आपके साथ ऐसी चार सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप हर एक दिन एक एक सब्जी को बना सकते हैं और साथ ही इस सब्जी को ब्रेकफास्ट या टिफिन में भी ले जा सकते हैं। तो इन सब्जियों को बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम अरबी लिया है, इसे मैंने छीलकर धुल लिया है और इस तरह से कट कर लिया लंबे लंबे में। ये देखिए, इसे छीलते या काटते टाइम ध्यान दीजिएगा नहीं तो आपके हाथ में खुजली होने लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है यानी कि सरसों का तेल, आप जो तेल खाते हैं वो ले सकते हैं। तो तेल के गर्म होते ही इसमें हम थोड़ा सा राई डाल देंगे और राई चटकने लगा है तब इसमें हम अरबी को भी डाल देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो ये जल्दी पकेगा नहीं, ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे हम कवर करके भुनेंगे और 2-2 मिनट पे खोलकर इसे पलटते जाएंगे और इसी तरह से हम चारों तरफ से सेक लेंगे इसे। इस स्टेप को हम 4 से 5 बार करेंगे। तो इसे मैंने 2-2 मिनट के लिए ढककर भून लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी अरबी अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, दबाने से ये इजीली दब जा रही है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है, तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ और 1/2 चम्मच सरसों पाउडर, 1/2 चम्मच ही यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/2 चम्मच ही मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर और 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे जिससे कि मसाला हमारा जले ना। और इसी टाइम आप इसमें नमक डाल दीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरा कैमरा बंद हो गया था जिस वजह से ये कैप्चर नहीं हो पाया। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी अरबी मसाले में अच्छे से कोट हो गई है, तब इसे हम कवर करके 2-2 मिनट के लिए पकाएंगे और इस स्टेप को हम 2 से 3 बार करेंगे। तो मैंने इसे इसी तरह से 2 से 3 बार पका लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी अरबी अच्छे से पक गई है, हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और अरबी खाने से जो इरिटेशन होता है वो भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ, आप इसकी जगह नींबू का भी रस डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर या नींबू कुछ भी डालें तो वो लास्ट में ही डालें, अगर आप पहले डाल देंगे तो आपकी अरबी अच्छे से नहीं पकेगी। तो ये देखिए, हमारी अरबी की सब्जी बनकर रेडी है। चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस अरबी की सब्जी के साथ पूरी, पराठा, रोटी परफेक्ट है। आप इसके साथ चावल भी ले सकते हैं। इस सब्जी को आप लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप अरबी की सब्जी बनाएंगे तो आपको कभी भी इरिटेशन नहीं होगा। खेक्से की सूखी सब्जी बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब खेक्सा लिया है और इसे मैंने धुल कर पतले पतले कट कर लिए हैं। ये देखिए, हमने पके वाले हिस्से को नहीं हटाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वापस से हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब तेल ले लेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें हम खेक्से को डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, या तब तक जब तक कि हमारा खेक्सा थोड़ा ब्राउननेस ना हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा भून देंगे तो वो कड़े हो जाएंगे जिससे कि आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा खेक्सा थोड़ा भून गया है। तो बस इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को पकने तक भून लेंगे। मसाला हमारा जल लेना, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून ही पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इससे आपका खेक्सा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब बस इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे और भून लिया है
और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन गया, इसका मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो बस इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। इस सब्जी के साथ पूरी, पराठा, रोटी परफेक्ट है। इस सब्जी को आप लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। परवल की सूखी सब्जी बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 परवल ले लिए हैं। मैंने इसे छीलकर धुल लिया है और इसके दोनों साइड के डंठल को कट करके निकाल लिया है। तो इसे हम पहले कट कर लेंगे। हमें इसके अंदर का पल्प को नहीं फेंकना है। अगर आप इसके अंदर का पल्प निकाल देंगे तो इससे आपकी सब्जी एकदम ड्राई बन जाएगी, कड़ी कड़ी लगेगी और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने सारे परवल को कट कर लिया है। चलिए अब इसे बनाने की प्रोसेसिंग पे। मैंने वापस से एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम 2 चम्मच तेल ले लेंगे। तेल के गर्म होते ही 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1 से 2 हरी मिर्च जिसे मैंने कट कर लिया है। अब इन सबको चलाते हुए 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इस टाइम पे हम परवल को भी डाल देते हैं। अब इन सबको मिक्स करते हुए परवल को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं कि ये हल्का भून गया है। तब इस टाइम पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या 1/2 टीस्पून। अब मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम परवल को इस तरह से साइड साइड में कर देंगे और बीच में हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और परवल का ऊपर का परत हार्ड होता है तो वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने 2 मिनट बाद इसे खोल लिया है। अब बीच में हम टमाटर को स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से मैश नहीं करना है और इसे हम सब्जी के साथ मिक्स करते हुए ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है और वो अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो बस इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस सब्जी को आप रोटी या पराठा के साथ खाइए, परफेक्ट है। इस सब्जी को आप लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं। इसे पहले हम छील लेंगे। तो ये देखिए, बस इसी तरह से हमें सारे आलू को छील लेना है। तो मैंने आलू को छील लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो ये बीच में इस तरह से, तो इसे हमें बहुत मोटा नहीं कट करना है। ये देखिए, बस इस तरह से। और इसे हम पानी में डालते जाएंगे, जिससे कि आलू हमारा काला ना हो। इसी तरह हम सारे आलू को कट कर लेंगे। तो मैंने सारे आलू को कट कर लिया है। अब आलू को अच्छे से धुल लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी गंदगी है निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने आलू को धुल लिया है। चलिए अब इसे बनाने की प्रोसेसिंग पे। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल लेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें हम आलू को डाल देंगे और आलू को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि आलू हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और बीच बीच में आलू को खोलकर चेक भी करते रहेंगे। तो मैंने इसे 1 से 2 बार इस तरह से पका लिया है और आप देख सकते हैं कि आलू हमारा अच्छे से पक गया है। तो आलू को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आलू को हमने निकाल लिया है। वापस से इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ले लेंगे और तेल के गर्म होते ही इसमें 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा और 1 मैंने यहाँ पे छोटे साइज का प्याज लिया है, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्च। अब इन सबको चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, या तब तक जब तक कि हमारा प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने प्याज को भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस हमें इतना ही भूनना है। तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इस टाइम गैस की फ्लेम को लो कर दे, क्योंकि हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करने वाले हैं, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर,
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इन सबको मिक्स करते हुए 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर को फाइन चॉप करके रख लिया था। आप यहाँ पे टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं और साथ ही नमक डाल देंगे। तो नमक हम ध्यान में रख के डालेंगे क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो 3 मिनट बाद मैंने इसे खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इसे स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। तो बस हमें इतना ही मैश करना है, एकदम मैसी नहीं बनाना है। तब इस टाइम पे हम अपने फ्राई किए हुए आलू को डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच पानी, जिससे कि मसाला और आलू हमारा अच्छे से पक जाए। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दें। इससे आपके सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 2 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। तो चलिए इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस सब्जी के साथ पूड़ी, पराठा, रोटी परफेक्ट है। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।